रणबीर साहब को, तो उन्होंने कहा हाँ भाई क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई ये मैंने याद किया तो कलेक्ट करो। मैंने सब मुंडी हिला के और सारा बॉडी और यूं यूं करके उनको सुनाया। मैंने कहा खुश होंगे। उन्होंने ऐसा ऐसी डांट पिलाई मुझे कि ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर देवानंद। कहने लगे यार तुम अपने अंदर से देवानंद निकालो। यहाँ जैसे खत लिखा हुआ है, ये खत है तो वो खत देखते हैं, खत देखते हैं यूं देखते हैं और उठा लेते हैं आमतौर पर। देवानंद कैसे देखते थे? सर ये जो आज का जो प्रोग्राम है कैसर खालिद आईपीएस, जो बहुत सारे प्रोग्राम है, मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर आपका नाम? सर मेरा नाम अनुराग माली है। मैं एलुमिना एसपीकेएम प्रेसिडेंट था और अभी युवा सेना का विभाग अधिकारी हूँ सिंधेगढ़ का, जोगेश्वरी विभाग कोर का। और मैं खालिद सर को अभी से नहीं जानता हूँ, मैं खालिद सर को 3 साल से जानता हूँ। ही हैज ऑलरेडी कम इनटू माय इवेंट्स। मैं एसपीकेएम का प्रेसिडेंट था, एलुमिना प्रेसिडेंट। अभी मेरे साथ वायु का एनएमआईएमएस का बंदा खड़ा है, हेड है वो, और ये हमारे मिट्टी भाई क्षितिज के हेड है। तो ऑलरेडी हमारे टीम से खालिद सर अभी से कोलैबोरेटेड नहीं है, पहले से कोलैबोरेटेड है। लास्ट ईयर हमारे इवेंट के लिए खालिद सर जू आए थे जेबीपीडी में एंड ही वॉज देयर विद अस। ये साल वापस आए थे ऑगस्ट में, उमंग एनएम कॉलेज का इवेंट था, उमंग फेस्टिवल कल्चर, उधर आए थे वो। हमारे लिए खालिद सर का रिलेशन ये इवेंट से नहीं है, हमारा रिलेशन उनके साथ हमारा लास्ट 3 इयर्स है, जब ये वो उस टाइम पे वो जॉइंट कमिश्नर थे और कमिश्नर, उसके बाद कमिश्नर ऑफ रेलवे थे, उसके बाद पीजीपी थे ऑफ पुणे मोटर व्हीकल्स, और अभी वो एडीजीपी है। तो हमारा कनेक्शन खालिद सर से पहले से, तो ये इवेंट एक फर्स्ट हमारा फेवर है। एवरी टाइम इफ वी डोंट टॉक अबाउट अ फेवर, हर वक्त वो हमारे लिए आया है, इज द फर्स्ट इवेंट हम उनके लिए आए हैं। और हमारी टीम भी 15 लोगों की आई है। मॉर्निंग में थोड़ा हमारा गवर्नर सर का इवेंट था, रमेश बायस सर का, तो गवर्नर सर का इवेंट था डालमिया में, तो उधर कोऑर्डिनेशन था इसलिए हम लोग उधर थे। आज हमारा इवेंट वो 4 बजे खत्म, 12 बजे खत्म हुआ, तो आज हम खालिद सर के लिए आए उधर। थैंक यू सर। आप कुछ कहेंगे? जैसा कि भैया ने कहा ये पहली बार होगा जब हम सर के लिए कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमेशा सर हैज बीन वेरी हेल्पफुल टू अस, देयर हैज बीन नो डाउट अबाउट दिस, एंड दिस इज आवर वे ऑफ शोइंग अ लिटिल ग्रेटिट्यूड दैट वी फील फॉर हिम। एंड दिस इज इन नो वे इनफ, नो वर्ड्स कवर व्हाट हाउ मच ग्रेटिट्यूड वी फील फॉर हिम, बट दिस इज अ लिटिल एफर्ट टू शो दैट सर वी रिकॉग्नाइज ऑल द एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन, इट इज कॉल्ड और अनकॉल्ड फॉर, एंड सो वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, एंड दिस इज अ लिटिल थैंक यू फ्रॉम आवर साइड। We are here to serve this event that was organized in anywhere. आपका नाम? My name is Arjun Vagasani. I'm the security head from Vayu First. Thank you, sir. Arhan. Yeah. मेरा नाम अरहान अलाचिया है. I'm from मिठी भाई कॉलेज. So हम लोग आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में क्या कहेंगे? So आज का प्रोग्राम अभी कल्चर और शायरियों के बारे में. So I feel the youth ये बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, बिकॉज द यूथ nowadays do not have any interest in शायरीज एंड गजल्स. सो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है यूथ को शायरी और गजल से प्यार करवाने का. सो आई फील दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड इवेंट. मेरा नाम सामी पंडित है और मैं जोगेश्वरी का सामान्य है. खालिद सर को मैं जानता हूँ, बहुत सारे इवेंट करते हैं, जैसे अभी मैं आया हूँ उनके हेल्प करने के साथ, अभी हेल्प हुआ तो इज अ ग्रेट रिफॉर्म्स. आज भी कुछ कहेंगे इसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में और कुछ कहेंगे आप? हाँ आई थिंक खालिद सर इज बेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर ऑल अदर्स फॉर टुडे जनरेशन, इज द टॉप मोटिवेशन. थैंक यू. थैंक यू. कौन से स्कूल से आप? मैं नूर इस्लाम उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज. कहाँ से? गोवंडी शिवाजी नगर. ओके. और क्या कहना चाहोगे आज कैसे सर? खालिद साहब जो आईपीएस ऑफिसर है मुंबई के, उन्होंने पाकिस्तान अदब उर्दू कल्चर को लेकर एक प्रोग्राम किया है आज और कल के लिए, तो क्या कहना चाहोगे, कैसा लगता है आपको ये उर्दू कल्चर का ये प्रोग्राम? मैं कहना चाहूँगी कि ये जो कल्चर है वो उर्दू कल्चर है और ये कल्चर को और आगे बढ़ावा दिया जाए, और ये शो में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. मैं ये कहना चाहती थी कि मुझे इसमें हिस्सा लेना था लेकिन मैं पीछे रह गई, मुझे मौका नहीं मिला, और मतलब ये शो बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छा लगा मुझे बहुत. पिछली बार भी हम लोग आए थे तो इस बार भी
सही है। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपको भी हिस्सा लेना था, तो किस चीज में तुमको दिलचस्पी है, उस प्रोग्राम में तुम इंटरेस्ट लेना चाहती थी, क्या कुछ याद है? मुझे एक्टिंग में दिलचस्पी है और मैं ज्यादातर रील्स वगैरह बनाती हूँ, तो इसी में मतलब जो एक्टिंग वगैरह लाइन्स होती है वही रिपीट करके एक रील वीडियोस बनती है, जो रील्स आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा चल रही है वो बनाती हूँ। तो एक्टिंग में कुछ अंदाज तुम्हारा जो है? मैं शायरी बोल देती हूँ। जी बताइए। समंदर को क्या गम है वो छुपा बता भी नहीं सकता, समंदर को क्या गम है वो बता भी नहीं सकता, आंखों में पानी बनकर आ भी नहीं सकता, और तू छोड़ गया तो इसमें तेरी क्या खता है, हर कोई मेरा साथ निभा भी नहीं सकता है। मैं गोवंडी हूँ, इस्लाम कॉलेज से पढ़ाई कर रही हूँ। और क्या कहना चाहोगी? पासवान यादव जो मुंबई का IPS है, कैसर काली साहब, वो कई सालों से करते आ रहे हैं, तो क्या लगता है तुम्हें और उर्दू कल्चर को लेकर खास ये प्रोग्राम किया जाता है, उर्दू की तहजीब इस प्रोग्राम के अंदर में दिखाई जाती है, तो क्या लगता है तुमको, कैसा है ये प्रोग्राम? जी देखकर तो बहुत अच्छा लगा, उर्दू मतलब बहुत अच्छी जबान है और मुझे काफ़ी मतलब इंटरेस्ट भी है उर्दू की शायरी, मतलब ये सब मैं पढ़ते रहती हूँ, बहुत सी किताबें पढ़ी है जैसे उर्दू आंगन, बड़ों का बचपन, ये सब मतलब बहुत सी किताबें भी मैंने उर्दू में पढ़ी है और मुझे शायरी का भी बहुत शौक है। तो आपके अंदर में कुछ शायरी अगर आपको याद है? जी जी, मुझे एक गज़ल आती है, वही मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कातिल न बन गुनाह न बन, नूर बन के दे तू बन तो प्यार का सुतूर बन के दे, ऐ खुश लिबास ऊँचे घरानों की जिंदगी, मुफलिस से घर में तू मजबूर बन के दे। कातिल न बन गुनाह न बन, नूर बन के दे तू बन तो प्यार का सुतूर बन के दे। थैंक यू वेरी मच। सबसे स्वागत है, आपका नाम? मेरा नाम अंसारी यास्मीन है और ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग अंजुमन इस्लाम सैफ देव जी गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से आए हैं। कहाँ से? अंजुमन बॉम्बे में ही, ग्लासेस रोड नागपाड़ा। इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगे आप? बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, हम लोगों ने सुबह से काफी प्रोग्राम अटेंड किए, क्विज में तो हम लोगों ने इनाम भी जीते, हमारे इनाम भी वहाँ पर रखे गए। मैं कैसर खालिद को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत के इजहार के लिए पासवान अदब का जो प्लेटफॉर्म दिया है कलाकारों को, वो अमेजिंग है और यकीनन ये सिर्फ एक इजहार नहीं है बल्कि उनका ये विजन है जो इंशाल्लाह आगे जो है वो बहुत दूर तक जाएगा। मैं कैसर खालिद को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, हमारे प्रिंसिपल साहिबा, हमारे पूरे स्कूल स्टाफ सबकी तरफ से ऑल द बेस्ट है, एंड बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका नाम? जी मेरा नाम शेख फाखरा है, मैं अंजुमन इस्लाम सैफदर जी जूनियर कॉलेज से हूँ नागपाड़ पे। ये हमारी टीचर है यास्मीन मिस। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर आए हैं पासवान अदब को अटेंड करने, मतलब आज हम हमारी कॉलेज की तरफ से आया था, तो यहाँ का प्रेजेंटेशन जैसा है और जैसा यहाँ का माहौल था, जैसे उन्होंने पेश किया हमें, तो मतलब बहुत अच्छा लगा, दिल से वाकई अच्छा लगा और यहाँ आकर मतलब इंजॉय किए, मज़ा आया बहुत, और हमने कोर्स में प्राइजेस भी जीते हैं हमारे टीचर ने, और बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखने को मिला, और मिलकर करियर गाइडेंस का भी बहुत मस्त था, सीखने को मिला कि फ्यूचर में मतलब क्या बनेगा, क्या क्या कर सकते हैं उसकी वजह से, और बहुत अच्छा लगा हमें आकर मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम शेख आयशा है, मैं अंजुमन इस्लाम सैफ देव जी हाई स्कूल से दुनिया कॉलेज से आई हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। IPS कैशर जो है वो किसके बारे में क्या कहेंगे आप? IPS कैशर खालिद जो है, खालिद साहब, उसके बारे में? हाँ मेरे बहुत मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब प्रोग्राम कैसा प्रोग्राम रहा, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारी कॉलेज से, और हम स्टूडेंट हमारे टीचर सब मिलकर उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया, प्रेजेंटेशन अच्छा था और फिर मतलब मजा आया, बहुत इंजॉय किया हम लोग ने, बहुत सीखने को मिला, शुक्रिया। तो आप कहाँ से? आपका नाम? हाँ मैं अंधेरी ईस्ट से हूँ, महेश्वरी नगर, हम अंधेरी ईस्ट, हमारे बच्चे साठे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इन्होंने स्टोरी लिया था, स्टोरी का पार्टिसिपेट किए थे, उसमें इन लोगों ने पार्ट जो वो किया, अपना पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद अच्छा है प्रोग्राम, व्यवस्था भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम? मेरा नाम सुमन वर्मा है, साठे कॉलेज से, मैं अंधेरी ईस्ट आई हूँ, वो मेरी मम्मी थी,
क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? प्रोग्राम अच्छा है, यहाँ पे जो डांस भी डांस बहुत अच्छे से किए, बहुत ही अच्छा। आईपीएस कैचर के बारे में क्या कहेंगे आप? कैसे खाली सब के बारे में क्या कहेंगे? वो भी अच्छे इंसान, प्रोग्राम अच्छा लगा। अदब जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बड़े खुलूस से कर रहे हैं, और लगभग इन्होंने जितने प्रोग्राम किए हैं, जब जब किए हैं, जहाँ जहाँ किए हैं, बहुत कामयाब रहे। और आज का जो प्रोग्राम है वो कल भी एक होगा, कल भी यहाँ पे, तो मैंने ये उसी सिलसिले की कड़ी है। बॉम्बे जहाँ पर के अब इस तरह की चीज़ें कम रह गई हैं, अब भी और कल्चरल जो प्रोग्राम थे उनका बहुत बड़ा सेंटर दिल्ली बन चुका है, लेकिन पासवान ने अगर शहर हाल बॉम्बे का अलग बलन किए हुए हैं, झंडा उठाए हुए हैं इस सिलसिले में। मुबारकबाद के मुस्तैद हैं खालिद कैसर साहब, उनकी पूरी टीम। मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम का सिलसिला न सिर्फ ये कि जारी और सारी रहे इसी आबोताब के साथ, बल्कि इसमें मजीद इजाफा हो, मेरी दुआएं हैं, मेरी बेख्वाहिश है। बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त आपके साथ ऐसे सब चाहिए। कार्यक्रम में बड़ा शानदार प्रोग्राम मुंबई शहर में कैसर खालिद साहब और पासवान अदब जो कई सालों से कर रहे हैं, और इतनी मेहनत और इतनी लगन से ये प्रोग्राम हो रहा है। हमेशा मैं देखता हूँ कि हर साल मुख्तलिफ कुछ न कुछ चीज़ें ये पेश कर रहे हैं, मैं और लोगों को पूरी मुंबई के कल्चर को और अदब के आदमी लोगों को उन्होंने बहुत एक अच्छा खुराक मुहैया किया है। उन्होंने शेर व शायरे का प्रोग्राम, अदब का प्रोग्राम, क्विज का प्रोग्राम, अभी शायरी के साथ कथक का प्रोग्राम चल रहा है, और अभी मुशायरा शुरू होगा तो उसके अंदर बड़े बड़े अदीब शायर शामिल होने वाले हैं। बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह ऐसे प्रोग्राम ये इसी तरह करते रहे, और हमेशा हर बार जो है वो नई नई चीज़ जो है मंजर आम पर लाते रहें, और पब्लिक जो है वो इससे मुस्तफिस हो, फ़ायदा उठा दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए भाई, कैसे भाई आ जाइए, क्या कहेंगे कार्यक्रम के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये पासवान अदब और उनकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और पासवान अदब की पूरी टीम का मैं मुबारकबाद उन्हें पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने उर्दू अदब तहजीब के लिए, उर्दू हिंदी मराठी लिटरेचर के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं शहर मुंबई में, तो उनके लिए मैं बिलखसूस मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जिसमें बहुत सारे सेशन रखे गए हैं, पोइट्री के ओपन माइक सेशन है, कैरियर गाइडलाइंस है, मुशायरा है, तो इस तरह की एक अदबी महफिल बहुत कम मुंबई शहर मुंबई में देखी जाती है। इस तरह से जिस तरह से पासवान अदब नए शोरा को भी हाई लेवल पर और अपने हुनर को जाहिर करने का एक खूबसूरत मौका फराहम कर रहा है, तो इसलिए पासवान अदब का यह तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अपने चंद अशार में पेश करता हूँ कि मेरी शिरकत से महफिल रौनक गुलजार हो जाए, मेरी शिरकत से महफिल रौनक गुलजार हो जाए, मुझे जो सुन ले मेरा होने को तैयार हो जाए, मुझे जो सुन ले मेरा होने को तैयार हो जाए, मिले हर एक मिसरे पर मुझे बस दाद हर एक से,
मिले हर एक मिसरे पर मुझे बस दाद हर एक से, खुदाया मुझसे वो तहरीर कुछ अशार हो जाए, खुदाया मुझसे वो तहरीर कुछ अशार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कि सर पासवानी आता कार्यक्रम में आपको बहुत अच्छा अनुभव था, जो लोगों बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया, शायरी सुनाया, बहुत इंटरेस्टिंग थी, दिल को छू गई और पार्टिसिपेशन एकदम लाजवाब था, और डांस और बाकी सारे कार्यक्रम भी बहुत अच्छे थे, करियर काउंसलिंग था, बहुत एजुकेशनल था, बहुत इंफॉर्मेटिव था, तो ओवरऑल हम सभी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे? उनको बहुत गाइडेंस मिली क्वेश्चन आंसर के बाद, फिर और कथक का हुआ, एंड देन बहुत सारे इवेंट्स थे जिसमें बॉलीवुड के स्टार आए थे, तो बहुत सारे जो मैंने टीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा, तो एंड काफी फायदा हुआ। क्या कहेंगे आपके मौजूदगी? तो जितने भी सेगमेंट्स थे बहुत अमेजिंग थे, शायरी, कथक और वो जो उन्होंने गजल गाया वो बहुत, मतलब बहुत सुरीला गाया और बहुत एंटरटेनिंग था ओवरऑल। इट वॉज वेरी लाइक व्हाट डू यू से, इंडल्जिंग, मतलब आई वॉज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन व्हाट वॉज हैपनिंग, और मतलब बहुत एंटरटेनिंग था, हर एक सेगमेंट वॉज वेरी नाइस। ऑल्सो कवरजीत सर का जो इंटरव्यू था, इट वॉज सुपर्ब, इट वॉज एंटरटेनिंग ओवरऑल, इट वॉज वेरी नाइस ऑल द सेगमेंट्स। अच्छा, ये जो कार्यक्रम का आयोजन आईपीएस कैसर काली जी ने किया, उनके लिए क्या जी? उन्होंने मतलब जो भी सोच के अपने सेगमेंट में सारी चीज़ें डाली है, सोच के डाली है, सारे ऑडियंस को, सब टाइप के ऑडियंस को मजा आना चाहिए, और वो आए, आई कैन अश्योर यू। थैंक यू सो मच। और कुछ? कार्यक्रम मैं एक आयोजक हूँ, मैं थोड़ा बहुत लिखने का भी शौक फरमाता हूँ, तो मैं पासवान अदब में करीबन 7-8 सालों से मैं आता रहा हूँ। कि असर साहब इतना अच्छा, उस समय तो सिर्फ शेरो शायरी का ही हुआ करता था, इस बार काफ़ी शिक्षा जगत से और बहुत सारी चीज़ों को, ड्रामा को, पोइट्री को, हर चीज़ों को, डांस को प्रमोट किया गया है, तो हमेशा की तरह बहुत अच्छा है। इस बार और भी चीज़ों का समावेश है, तो ऑफकोर्स ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिससे हर वर्ग के लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और चांस मिलेगा, और इस बार का कार्यक्रम बहुत अच्छा है। हो गया, बहुत अच्छा था, और सभी जो भी प्रोग्राम्स हुए बहुत इंफॉर्मेटिव भी था, और हमें बहुत एंटरटेनमेंट भी मिला है, ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अक्सर युवा फिल्में देखते हैं, मगर आज लाइव देखने मिल रहा है। क्या क्या अच्छा लगा, फिल्में अच्छी लगती हैं? फिल्में का
जो एक्सपीरियंस वो अलग रहता है, आज लाइव एक्सपीरियंस मिला है तो उससे भी बहुत सीखने भी मिला है। जो आर्टिस्ट भी आए हैं उनका भी बहुत जो उनका क्या होता है मतलब उन लोग कैसे परफॉर्म करते हैं उनका जो स्ट्रगल रहता है वो आज समझ पाया है। यस, जैसे कि कार्यक्रम का आर्टिस्ट कैसे उठा लेते हैं, कितना जरूरी होता है ऐसे कार्यक्रम? बहुत ज़्यादा, बिकॉज उससे सीख भी मिलती है, हमें लाइफ में क्या करना चाहिए उसके बारे में भी पता चलता है, तो उसके ऊपर से जो भी हम लोग को भी स्ट्रगल मिलता है तो हम लोग कोरिलेट करके हम लोग भी सीख सकते हैं उससे। का डांस हुआ था गजल के साथ में, वो इस शो का जो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे बेस्ट पार्ट जो था वो मुझे ऐसे लगा कि सुबह से जो थी वो सारे लोगों ने अपना एक तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया और शो को सक्सेसफुल बनाने की जो है वो कोशिश की गई है इस शो। कार्यक्रम में आपकी मौजूदगी है बेहद अच्छा लगा, मेरा पहली बार यहाँ पर आना हुआ, एक दोस्त है मेरे उन्होंने बताया इस प्रोग्राम के बारे में, और अभी जब मैंने पहली दफ़ा देखा मतलब गज़ल और कथक का बेहद बेहतरीन उन्होंने संगम किया और देखकर बहुत बहुत मज़ा आया और अच्छा लगता है अगर ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। मैंने देखा अंदर काफ़ी यंग स्कूल के बच्चे भी मौजूद थे, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहां आपको ऐसे कल्चरल इवेंट में हमारे बहुत सारे बेहतरीन आर्ट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, तो बिग थम्स अप टू ऑल दी ऑर्गेनाइजर्स, डेफिनेटली हर साल आने को यहां मिलेगा तो बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें इसमें शामिल होकर के बहुत बहुत खुशी मिली है और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम भी बहुत सक्सेसफुल रहा, सबको पसंद आया, कथक और शायरी का जो हमने नया प्रयोग यहाँ पर किया वो सबको बहुत पसंद आया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पासबान अदब का और निर्जा आपके ताई जी का जिन्होंने यहाँ पर इसको जो है वो बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट लेकर के और उसको डिज़ाइन किया और हम सभी को एक माला में पिरोया। सो थैंक यू सो मच प्रनेजा आपके जी। मैम आपके दोस्त कार्यक्रम कैसा लगा और कार्यक्रम तो खुद ही आप कलाकार हैं, कैसा रहा? बहुत बहुत मज़ा आया, क्या माहौल, ऑडियंस का इतना प्यार, तो एक कलाकार को और क्या चाहिए होता है कि जो आप प्रस्तुत करें उसको बहुत दाद मिले, तो आज हमारा दिल खुश हो गया। और ये जो कंसेप्ट है निर्जा आपके मैम ने जो गज़ल के साथ कथक ये कंसेप्ट उन्होंने किया है वो बहुत ही अलग है और एक डांसर के लिए चैलेंजिंग भी है, क्योंकि ये जो सारे कलाम थे जो आज हमने पेश किए वो ज़्यादातर डांस में किए नहीं जाते, तो उनका दर्द, उनमें छिपा हुआ अर्थ वो डांस में बाहर लाने के लिए हमको बहुत सोचना पड़ा, इसलिए एक कलाकार के तौर पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो हम लोग बहुत खुश हैं। दर्शकों का प्यार तो मिल ही रहा है, लेकिन आयोजक जो IPS कैसर खालिद है उनके लिए क्या कहना चाहिए? इतना खूबसूरत माहौल था जैसे अमीरा ने कहा और ऑडियंस भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही थी, तो हम सब लोग पासबान अदब और दानिश शेख जी और जी कैसर खान कैसर IPS कैसर खान जी सबका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत ही नया एक्सपीरियंस था जैसे अमीरा ताई ने बताया, सभी गज़ल सुन के उनको कर पेश करना, उनके लिए इतना तैयार होना, इतने खूबसूरत ऑडियंस के सामने पेश करना जो खुद उर्दू के जानकार है, सब उर्दू बोलने वाले हैं, सब उर्दू को पसंद करने वाले हैं, तो बहुत ही नया खूबसूरत एक्सपीरियंस था, वी आर वेरी ग्रेट। मैं बस एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि पासबान अदब में हम पहले भी निर्जा अपने मैम के साथ कर चुके हैं और हमेशा यहाँ पे जो पूरा कार्यक्रम रहता है जो सारे कलाकार आते हैं, तो पासबान अदब का सच में बहुत शुक्रिया था कि वो हर साल लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, तो ऐसे ही काम करते रहे और हम जैसे कलाकारों को बुलाते रहे। थैंक यू जी, बिल्कुल खालिद साहब के लिए स्पेशल शब्दों में नाम लिखा है IPS कैसर खालिद जी के लिए, IPS कैसर खालिद जी के लिए कहते हैं शब्दों में आपके IPS कैसर खालिद जी ने जो कार्यक्रम कैसर खालिद जी ने जो ये किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तहे दिल से सब कलाकारों की तरफ। कार्यक्रम का आयोजन जो हर साल सालों साल से
IPS सर खालिद साहब और अब उनके साथ एक बहुत बड़ी टीम दानिश सर, ये सब मिलकर इसे कर रहे हैं और उर्दू अदब के लिए, हिंदी के लिए, मराठी के लिए, हर जुबान के लिए ये काम किया जा रहा है और नए लोगों को भी इसमें बहुत बड़ा मौका दिया जाता है। और आज जो हमने पेश किया शायरी के साथ कथक, ये एक बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा था, एक अलग कॉन्सेप्ट थी जो मैं करना चाहती थी और मुझे बेहद खुशी है कि पासबाने अदब के इस बहुत ही बेहतरीन मंच पर हमने मेरे इस ख्यालात को इतनी खूबसूरती के साथ पेश करने की कोशिश की। मेरे साथ जितने कलाकार हैं, जितने फनकार हैं, डांसर्स हैं, गायक हैं, बजाने वाले हैं, उन सभी ने मिलकर इस प्रोग्राम की खूबसूरती को बढ़ाया है, चार चांद लगाए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और बहुत जल्द किसी अलग कंसेप्ट के साथ फिर मैं मिलूंगी। शुक्रिया।
मजा आता है मुझे और पासवानी अदब जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बड़े खलूस से कर रहे हैं और लगभग इन्होंने जितने प्रोग्राम किए हैं जब जब किए हैं जहाँ जहाँ किए बहुत कामयाब रहे और आज का जो प्रोग्राम है वो कल भी एक होगा कल भी यहाँ पे तो मैंने ये उसी सिलसिले की कही है। बॉम्बे यहाँ करके अब इस तरह की चीज़ें कम रह गई हैं अदबी और कल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं उनका बहुत बड़ा सेंटर दिल्ली बन चुका है लेकिन पासवाने अगर बहरहाल बॉम्बे का अलग बलन लिए हुए हैं झंडा उठाए हुए हैं इस सिलसिले में मुबारकबाद के मुस्तैक हैं खालिद कैसर रहा उनकी पूरी टीम। मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम का सिलसिला न सिर्फ ये कि जारी और सारी रहे इसी आबोताब के साथ बल्कि इसमें मजीद इजाफा हो मेरी दुआएं हैं मेरी नेकबाश है। बहुत बहुत शुक्रिया जबरदस्त आपके साथ ऐसे सब चाहिए धन्यवाद।